हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आरबीआई ने एक फिर से नई स्टेटमेंट दी है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो हैं रविशंकर, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है फिर से, जिसकी वजह से भी क्रिप्टो करेंसी की जो अडॉप्शन है फिर से इम्पैक्ट हो सकती है हमारे इंडिया में। इसी के साथ साथ जो क्रिप्टो फोर्स के नाम से एक क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च किया गया था, जो कि पहले कॉइंस बिट के नाम से था, उन्होंने अपना एक नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाया। हालांकि ये पहले भी एक फेलियर ही रहा है क्रिप्टो फोर्स कॉइंस बिट भी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक नया परपेचुअल फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाया है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल, आप सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो इंडियन सेंट्रल बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं, डिप्टी गवर्नर जो रविशंकर हैं, उन्होंने बोला है कि जो जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं, यानी कि ऐसे कॉइन्स जिनकी वैल्यू डॉलर के बराबर है, यूएस डॉलर के बराबर है, जो कि हमेशा एक डॉलर के बराबर ही रहते हैं, तो उनसे बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है पॉलिसी के ऊपर और इसी के साथ इंडियन जीडीपी के ऊपर। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से वार्निंग दिया कि क्रिप्टो करेंसी से दूर रहो, यूएसडीटी को भी यूज़ मत करो, आने वाले समय में सीबीडीसी को अडॉप्ट करो। लेकिन उन्होंने ऐसा पता नहीं क्यों बोला कि स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो इंडिया के लिए तो सही नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के लिए ये यूज़फुल हैं। एक्चुअल में इनका कहने का मतलब ये था कि जो यूएसडीटी है या फिर जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं वो सही नहीं है, लेकिन उसकी जगह जो सीबीडीसी है, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं, जो कि आरबीआई के द्वारा आने वाले समय में निकाली जाएगी, वो एक स्टेबल सोल्यूशन होगा हमारी कंट्री के लिए। करंटली उनका मानना यह है कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं ये सिर्फ यूएस के लिए और यूरोप के लिए ही यूज़फुल हैं। और इसी के साथ उनका मानना है कि अगर सीबीडीसी प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। वैसे भी गवर्नमेंट ऑलरेडी हमारे ही प्रॉफिट के ऊपर चल रही है, जैसे कि हमारा टीडीएस काट के या फिर हमसे 30% टैक्स लेके। तो एक्चुअली इनका कहना ये भी है कि स्टेबल कॉइन्स जो है उनका जो रिस्क है बहुत ज़्यादा रहता है डॉलराइजेशन का, क्योंकि लिंक्ड होते हैं किसी और करेंसी के साथ। यानी कि इसका साफ साफ मतलब ये भी बनता है कि अगर डॉलर एकदम से नीचे गिरता है तो हमारी जो वैल्यू एक्चुअल में, जो हम डॉलर सोचकर चल रहे हैं, जैसे कि 85 रुपये 90 रुपये, तो वो एकदम से नीचे गिर सकती है। यही कारण है कि अभी ये स्टेबल कॉइन्स को एक थ्रेट मानकर चल रहे हैं कि इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन आपका क्या मानना है इसके बारे में, एक बार आप भी नीचे कमेंट करके बताएं कि स्टेबल कॉइन्स अच्छे हैं या नहीं है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स के ऊपर हम आर्बिट्राज के द्वारा भी ट्रेडिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, या फिर उसी को बाय सेल करके अपने ही किसी एक एक्सचेंज के ऊपर रेगुलर बेसिस पर अगर हम बाय सेल करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें जो कंपनी पहले कॉइंसबिट के नाम से थी, जिन्होंने बहुत ही बड़े जोरों शोरों से अपना काम शुरू किया था और एक बहुत लंबा रेफरल प्रोग्राम रखा था, यानी कि एक के बाद एक अगर कोई भी रेफर होते हैं, एक टीम भी बना सकते हैं और टीम के बेसिस पर प्रॉफिट अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं मिली ग्लोबल कॉइंसबिट के द्वारा। इसके बाद इन्होंने अपना क्रिप्टो फोर्स लॉन्च किया। क्रिप्टो फोर्स भी इतना कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल नहीं हुआ, और क्रिप्टो फोर्स के साथ अभी ये फाइनली लॉन्च कर चुके हैं अपना परपेचुअल फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे बहुत सारे डिजिटल एसेट्स हैं जिनके ऊपर परपेचुअल फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी करी जा पाएगी। अब तो जो परपेचुअल ट्रेडिंग होती है या फिर परपेचुअल जो फ्यूचर्स होते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, आप इनफिनाइट टाइम तक इसको होल्ड करके अपनी पोजीशन सिक्योर रख सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस भी मिलता है फ्यूचर्स की मार्केट में, जो कि हर एक फ्यूचर्स मार्केट में नहीं होती। जो क्रिप्टो फोर्स के फाउंडर हैं राहुल अग्रवाल, उनका कहना यह है कि बहुत बड़ा स्टेप है परपेचुअल फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में लॉन्च करके, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ यूनिक चीज़ें मिलने वाली, जैसे कि फीस बहुत कम रहेगी, 20x तक की आपको लेवरेज मिल जाएगी, एडवांस रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे मिलता है और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी ओवरऑल अच्छा रहता है। तो मेरा मानना यह कि वैसे तो क्रिप्टो फोर्स के ऊपर बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन ये कभी भी सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने कभी खास इनोवेशन नहीं करी है। सिर्फ एक नया प्लेटफॉर्म ला के, उसके ऊपर एक और नया प्लेटफॉर्म ला के, जैसे कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, उससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जब तक यहाँ पे यूज़र्स नहीं आएंगे, जब तक ये अपनी कन्वीनियंस नहीं देंगे या फिर रेगुलर सपोर्ट नहीं देंगे, तब तक कोई भी क्रिप्टो फोर्स को यूज़ नहीं करने वाला। आपके क्या मानना है कॉइंसबिट के बारे में, क्रिप्टो फोर्स के बारे में, क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा चुके हैं, अभी आपका कौन सा बेस्ट और या फेवरेबल एक्सचेंज है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है आप ज़ेरॉक्स यूज़ करते हो, बिटमीन्स हमारा जो कॉइंस DCX है, या फिर आप बाइनेंस यूज़ करते होंगे, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी हमेशा पहुंचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।